महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि 12 जुलाई को महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद का चुनाव होना है। उससे पहले सभी राजनीति दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। रणनीति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने विधायक को बचते नजर आ रहे हैं। विधानसभा परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव के लिए खास प्लान तैयार किया है। बता दें कि शिवसेना यूबीडी ने अपने सभी 16 विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि आदित्य ठाकरे भी इन विधायकों के साथ रह सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए विधायकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। विधान परिषद चुनाव में शिवसेना की ओर से मिलिंद नार्वेकर को उम्मीदवार बनाए जाने पर गणित बिगड़ा है। चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 23 वोटों की जरूरत है। शिवसेना के पास अपने सिर्फ 15 विधायक हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी के दूसरे उम्मीदवार हैं और एनसीपी समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को भी जीत के लिए अन्य पार्टी के विधायकों पर निर्भर रहना होगा। अगर विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा उद्धव ठाकरे और एनसीपी समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को होगा।